मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। तीनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में दोनों दल एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कमल के निशान पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर ताल ठोक रही है। हालांकि इसके पीछे दोनों पार्टियों की सोची समझी रणनीति है। आइए जानते हैं इन बदलावों के मायने और राजनीतिक असर। राजस्थान में बीजेपी ने स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी एक साल में 9 बार राजस्थान आ चुके हैं और अब तक 150 सीटों के 3.80 करोड़ वोटर्स तक पहुंच चुके हैं। यानी इस चुनाव में मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा सिंबल होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री लगातार दौरे और सभाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में अब तक राहुल गांधी ने साल भर में महज 3 रैलियां की हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 से 3 दौरे कर चुके हैं। सचिन पायलट ने अपने स्तर पर कुछ सभाएं की हैं, लेकिन अब तक 100 सभाएं कर चुके सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने के बाद से ही चुनावी मोड में आ गए थे। अब पीएम मोदी को मात देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 3000 किलोमीटर के सफर पर निकल गए हैं। वो 20 जिलों की करीब 100 सीट कवर करेंगे। इस दौरान वो जनता के सामने हर योजनाओं को जनता के सामने रखते हुए बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे सवाल के जवाब भी देंगे। अब बात करते हैं चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्योंकि कई सर्वे इन चुनावों में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। साल 2003 से लेकर पिछले चुनाव तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ा। ऐसे में लड़ाई वसुंधरा राजे वर्सेस अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे वर्सेस कांग्रेस रही, लेकिन इस बार बीजेपी सामूहिक लीडरशिप पर चुनाव लड़ने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इससे साफ है कि राजस्थान का कोई भी एक नेता चुनाव में चेहरा नहीं होगा, बल्कि पीएम मोदी का चेहरा होगा और बाकी नेता साइड रोल में होंगे। राजस्थान में किसी नेता को चेहरा नहीं घोषित करने से अब चुनाव में मोदी वर्सेस गहलोत का माहौल नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। मोदी प्रदेश के 25 जिलों की करीब 140 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। पीएम मोदी अपने भाषणों में गरीबी, महिलाओं, दलित, आदिवासियों के अलावा पसमांदा मुसलमानों की बात करते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वो पूर्व सीएम कमलनाथ समेत विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी दिखाई देते हैं। ऐसे में लड़ाई कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी है। हालांकि चुनावों में जाति सबसे अहम फैक्टर रहता है। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि कमलनाथ की पकड़ आदिवासी वोटरों पर बहुत अच्छी है और यही वोटर मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कुल 47 ट्राइबल रिजर्व सीट में से 31 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 16 सीटें आई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.53 करोड़ से ज्यादा थी। अगर बात वर्तमान समय की करें तो फिलहाल आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 1.75 करोड़ है, जो सूबे की कुल जनसंख्या का 22% है। वहीं राज्य की 35 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता 50,000 से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर आदिवासी समुदाय का असर 84 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी बिसात बिछ चुकी है। यहां पर भी मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है। यहां प्रधानमंत्री मोदी अब तक 5 दौरे कर चुके हैं, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं, जबकि पिछले 7 महीनों में प्रियंका गांधी 4 बार आ चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस राहुल गांधी के युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी के वोटर्स को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा वोटर्स की तादाद करीब 48 लाख है, जिनमें से 4.43 लाख वोटर्स पहले
पहली बार वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएम मोदी के बीच सही और झूठ को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आवारा कुत्तों और बिल्लियों से ज्यादा ईडी और आयकर विभाग के कर्मी घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर बीजेपी सरकार में कोई जेल गया तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि राज्य में भ्रष्ट लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए नगरनार स्टील प्लांट के उद्घाटन में भाग लेने से डरते हैं। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने टिप्पणी की कि बीजेपी सरकार में पत्रकारों को भी जेल भेजा जा रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि लोग क्यों डरते हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है, इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। सीएम भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास कार्ड खेल रही है। 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 और बीजेपी के पास महज 14 सीटें हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द से मिटी है। इसके अलावा हाल में डिप्टी सीएम बने टीएस सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं बीजेपी ने पिछले 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को तो नेतृत्व नहीं दिया, लेकिन किसी दूसरे नेता को भी आगे नहीं बढ़ाया। बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतारा है। राज्य में अभी कुल 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हैं। राज्य में कुल 51 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 78,22,000 आदिवासी हैं, जो कि कुल आबादी के एक तिहाई के करीब 30% है। वही एससी 12.82% है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 27 पर जीत हासिल की थी। बेशक पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कई विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, लेकिन अब कई राज्यों में स्थिति बदल रही है। बात अगर पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव की करें तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पीएम वर्सेस सीएम का चुनाव करने में रिस्क बीजेपी को ज्यादा है। अगर चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो प्रधानमंत्री का चेहरा दांव पर होता है और ऐसे में विपक्ष को घेरने का मौका मिलता है। ऐसा कर्नाटक, बंगाल और हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि मोदी के फेस पर बीजेपी किन किन राज्यों में जीती। नरेंद्र मोदी अब भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। उनके नाम पर दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी को अच्छे वोट मिल जाते हैं। अगर 2022 की बात करें तो इस साल गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। 2022 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 में बीजेपी जीती। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी मोदी का जादू दिखा और बीजेपी सत्ता में आई। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने दम पर लोकसभा चुनावों की तरह पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत दिला पाएंगे। और सीएम अशोक गहलोत, सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कैसे पीएम को चुनौती देंगे, इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया हमारे साथी मंचकार रमन ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।